गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पना फोटेदास किचन। आज विनायक चतुर्थी है और मेरा पान है। इस फेस्टिवल को हम पान बोलते हैं। इस दिन हम रोट बनाते हैं, मीठे रोट। तो देख लीजिए, ये कलश के ऊपर हम रोट रखते हैं। ये गणपति हरतालिका है, दिया जलाया है, इसे भुजवांगुन बन रहा है इसमें और रोट यहाँ से बन रहा है। ये फेस्टिवल बहुत इम्पोर्टेंस का है हमारे यहाँ। थोड़े मुहूर्त होते हैं दो चार, पर मैं पहला ही हमेशा देती हूँ। तो चलिए एंजॉय कीजिए। इसमें मैंने 5 पाव आटा डाला है, 5 पाव इसे 7 कप, इसको खोस बोलते हैं कश्मीरी में, 7 खोस, अराउंड 180 ग्राम्स आता है इसमें आटा। और इसमें मैंने 7 बड़ी इलायची रखी है, इनको मैं तोड़ दूंगी और बता दूंगी आपको कैसे डालना है। खाना मैंने निकाल दिया, मैं इसमें थोड़ा सा क्रश करूंगी इनको। इसमें ग्रेटेड कोकोनट है, कोकोनट पाउडर। इसे थोड़ा सा गरम करेंगे। मैंने शुगर को गरम पानी में रखा है, ये मिक्स करेंगे। और इसमें मैंने 3/4 कप घी मैंने ये मिलाया और घी भी अच्छे से मिलाएंगे। ये शुगर वाला पानी, इससे मैं अच्छे से इसको मिक्स कर मिलाऊंगी। आटा मैंने नीड किया, एक तो मैंने इसे 2 कप पहले पानी डाला था, उसके बाद में मुझे इसका आधा मतलब 2.5 कप पानी से नीट करना पड़ा। अब आटा तैयार है, मैं इसको रेस्ट देती हूँ 15 मिनट का। रोट बनाने के लिए मैंने इसमें 1 लीटर घी डाला है, इसको मैं गर्म करूँगी। 15 मिनट के रेस्ट के बाद में अब मैं रोट बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये खसखस है, पहले वीडियो में मैंने दिखाया था कि दूध में मैंने डाला था इसमें, बट इस बार में डायरेक्ट डालती हूँ। जैसे इतना उठाया, और ऊपर से डाल दिया। Thank you.
पूरा सेट करना है इसको। इसको हाथों से मैंने पूरा राउंड शेप दिया और ये वाले इसे निशान डालते हैं। घी गर्म हो चुका है तो मैं इसमें अब रोट डालती हूँ। एक और रोट जिसमें कि नारियल और बादाम लगाते हैं। नारियल और बादाम मैंने छील के रखा है। मैं नारियल लगा रही हूँ। ये लगाने के बाद थोड़ा सा ये वाला रोट फ्राई हो रहा है तो अब मैं इसको टर्न करूंगी धीरे से। ये रोट तैयार हो गया तो मैं निकालती हूँ और उसमें दूसरा डालती हूँ। अब ये वाला रोट डाल रही हूँ। ये वाला भी फ्राई हो गया, मैंने निकाल दिया इसको। ये देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। दोनों ही रोट बहुत अच्छे हैं। तो आपको मैंने बता दिया कैसे बनाना है। आप भी बनाइए, खाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।